दिलीप सामंतरायंकर स्त्री आत्महत्या कर गोटे गोटे परिवार डिसेंबर पखापाखि छा बेले संध्या हाईटेक हॉस्पिटल रे श्री जगन्नाथ रेफ्रिजरेशन एजेंसी रो किछि लोको जते बेले तंगर कंप्रेसर को ठीक करबा को जाइतले सही समय रे गोटे घटना घटी कि चारि जणंकर इंजरी होइतला जो माने कि से एसी रो काम करंती आउ इमिडिएटली से मानको जेतु से माने हॉस्पिटल रे थेले सही हॉस्पिटल रे एडमिट करी कि से मानको ट्रीटमेंट आरंभ करा जाई थिला परंतु जेतु से मानकर सीवियर बर्न थिला नेक्स्ट डे जणे व्यक्ति रो मृत्यु होई गेला जहाकु दिलीप सामंतराय बोली आइडेंटिफाई करा जाई थिला और से अनुसार पुलिस तरफ रो जो भी प्रोसीजर हवा कथा से प्रोसीजर फॉलो करा हितला तापरे काली जिते बड़े जने व्यक्ति उठला और से कहला कि मु दिलीप सामंतराय अच्छी जहाँ को भाव जाऊला कि से ज्योति नामक व्यक्ति अच्छी तापरे हॉस्पिटल रे जना पड़ला कि से व्यक्ति जहाँ को दिलीप सामंतराय कही कि पूरा प्रोसीजर करा जाएगी हैंडओवर करा जाएगी फैमिली को सी प्रकृत रे दिलीप सामंतराय नथिला से ज्योति थिला आ यही कन्फ्यूजन क्रिएट होई छी राति प्राय बारटा बेले मंचेश्वर पुलिस स्टेशन रे इनफॉर्मेशन आसिला आ इमिडिएटली मंचेश्वर आईसी और तांकर टीम जाय कि हॉस्पिटल को पहुंची छंती आ से माने इंक्वायरी आरंभ करी छंती के केमति ये सब घटना होई छी परंतु ये सब घटना रे यदि देखा जीव तो जिंती जिते बड़े घटना हेतला इमीडिएटली जो व्यक्ति हॉस्पिटल तरफ रु से मानु को एंगेज करथिला से व्यक्ति तांको आइडेंटिफाई करथिला कि कहारा कौन नाम अछि आ से अनुसार हॉस्पिटल लोको तांकर परिवार लोको को इन्फॉर्मेशन देथिले परिवार लोको आसी कि तांकर तांको अटेंड करथिले आ जितेबले प्रथम व्यक्तिर जीवन जाई परिवार लोको ही आसिकी थाना रे मध्य इन्फॉर्मेशन देखकर इन्फॉर्मेशन रे थाना इन्फॉर्मेशन को बेस करी थाना रे केस रजिस्टर करा जाई परिवार लोकों प्रेजेन्स इंक्वेस्ट करा जाई प्रेजेन्स पोस्टमार्टम करा से माने देखी कौनसी डाउट है नहीं कि ये अन्य कौन सी व्यक्ति ही पारे जेहेतु बॉडी जली जाई थिला तो से मानको भी रिकॉग्निशन से माने भी रिकॉग्निशन ताको करी नहंती आउ से अनुसार प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करी कि ताको बॉडी हैंडओवर करा है छी और बॉडी को से माने नहीं कि ताको क्रीमेशन करी छंती या भितरे केतटा पॉइंट्स उठी के आसुची प्रथम पॉइंट अच्छी कि आमे को यदि देखिबार अच्छी कि को प्रकार रो क्रिमिनल लायबिलिटी या क्रिमिनल नेग्लिजेंस इतरे भारी की आसुची तो कौन सी भी फैमिली मेंबर एवं सुधा ट्रीटमेंट को नहीं कि कौन सी प्रकार रो नेग्लिजेंस विषय आसिकी आमको रिपोर्ट करी नहांती कि ट्रीटमेंट रे कौन सी प्रकार रो भी अवहेलना करा जाउची से भली कौन सी रिपोर्ट आमको मिली नहीं तो ट्रीटमेंट रे कौन सी प्रकार रे भी नेग्लिजेंस एबे सुधा सामना को आसी नहीं और ये जो घटना है छी परिवार लोको मध्य से जिते भी पेशेंट अछंती पेशेंट मान को से माने देखी देखु छंती और देखी कि से मान को ट्रीटमेंट रे भी से माने जाई कि डेली अटेंड करू छंती अटेंडेंस भी जाई कि तंकर जो क्लोज लोक अच्छा से माने भी देखु छंती आम ये सब रिपोर्ट एबे जो आसी छी आम पुणी थरे प्रॉपर इंक्वायरी ये सब घटना पछरे कौन कारण अच्छी से उपरे करिबु आउ स्टार्टिंग रे केमती रिपोर्ट हेतला को व्यक्ति आसी कि तंकु आइडेंटिफाई करथिला
जहाँ बेसिस रे सेमानकर आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करा जाइछि परिवार लोकंकु परिवार लोके प्रॉपर्ली तांकु देखिथिले कि नहीं ये सब उपरे डिटेल रे आमे इंक्वायरी करिवु आउ सीनियर ऑफिसर ताकु सुपरवाइज करिवे आउ जदि ता परे कोनसी भी प्रकार रो कहार भी क्रिमिनल नेग्लिजेंस बाहरी के आसुची से अनुसार मचेश्वर थाना भुवनेश्वर पुलिस कार्यानुषान ग्रहण करेंगे।